हल्द्वानी में दिन प्रतिदिन शातिर चोर चोरी के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। अब तक कीमती सामान की चोरी करने वाले चोर अब धनिया, जीरा और इलायची भी चुराने लगे हैं। पुलिस ने ऐसे ही दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो बड़ी मात्रा में धनिया और जीरा चोरी करते हुए इलायची भी ले गए। हल्द्वानी पुलिस ने चोरी के धनिया और जीरा सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बिहार और इंदिरानगर के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 32 कट्टे जीरा, 5 कट्टे धनिया और इलायची की बरामद हुई हैं। वहीं चोरी में इस्तेमाल किया गया टेम्पो भी पुलिस ने सीज किया है। एसपी सिटी हरवंत सिंह ने बताया कि हीरानगर क्षेत्र से देर रात चोरी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ चेकिंग करते हुए तत्काल शातिर चोरों को मय माल समेत गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। हीरे की कुछ चोरी हुई थी दुकान से, कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार किए हैं, कितना माल बरामद किया गया है? ये 3 जनवरी को डेविड शर्मा वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कोतवाली में कि उसकी दुकान से जीरा और धनिया चोरी हो गया है, कुछ और मसाले चोरी हो गए, तो उनकी उस तहरीर के आधार पर थाने में FIR दर्ज की गई और थाने से टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उनके द्वारा पूरे क्षेत्र के CCTV फुटेज चेक किए गए। CCTV फुटेज चेक करने के बाद उनके द्वारा मंडी बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति गगन को अरेस्ट किया गया 12 कट्टे जीरे के साथ। और जो गगन मूलतः मोतिहारी बिहार का रहने वाला है, जो यहाँ मंगल पड़ाव में किराए के मकान में रह रहा था, और फिर उसकी निशानदेही पर उसके एक दोस्त अब्दुल रहमान जो इंदिरानगर का रहने वाला है, उसके घर से जो शेष 20 कट्टे जीरा और 5 कट्टे धनिया बरामद किया गया है, जो टोटल चोरी किया गया जो टोटल सामान है चोरी किया, जिसमें 32 कट्टे जीरा, 5 कट्टे धनिया और कुछ पैकेट हरी इलायची के हैं, वो सारा माल चोरी किया गया जो है वो बरामद कर दिया गया है। और दोनों जो मुलजिम हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और आज उनको जेल भेजा जाएगा। थैंक यू सर।